झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव के चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये मतदान सुबह सवेरे से शुरू हुई है और बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर मांडर विधानसभा, जो राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय है सोसाई मांडर का, जहां पे बूथ संख्या 135, 136 और 137 में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो बूथ की ओर आ रहे हैं। खास करके इस बूथ में कहा जाता है कि महिलाओं की संख्या अधिक है और यहां पर कुल 419 पुरुष मतदाता हैं और महिला अगर बात करें तो 410 है। ऐसे में 135, 136 और 137 में मतदाता जो है वो सुबह सवेरे से आ रहे हैं और लोगों में जागरूकता भी देखी जा रही है। यहाँ तक कि सबसे खास बात, मतदाता मतदान केंद्र में जो भी मतदाता आ रहे हैं इनका विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो इसके लिए 100 मीटर के आसपास जो है 100 मीटर की दूरी में 144 लगाई गई है। खास करके मतदाताओं और सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहां तक कि अगर किसी मतदाता को किसी तरह की परेशानी हो तो उनको ऑनलाइन सी विजिल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की भी बात कही गई है। अब देखना होगा कि इस मतदान का रिजल्ट क्या होता है, कितनी प्रतिशत वोट पड़ती है, लेकिन फिलहाल मतदाताओं में जागरूकता भली भांति देखी जा रही है। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोहिजुद्दीन, समाचार प्लस, मांडर।